हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? दोस्तों मेरा नाम है संजीव कुमार और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल एंटीक कंप्यूटर स्टोर के एक नए एपिसोड में। तो आज एक फिर से नया पीसी बिल्ड का वीडियो लेके हाजिर हूँ मैं आपके लिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बिल्ड करने वाले एक बहुत शानदार बजट पीसी जो कि है एमडी की तरफ से। दोस्तों आज जो पीसी बिल्ड करने वाले उसकी 30,000 रुपये 30,000 का मैंने यहाँ पे सीपी बिल्ड किया है जो कि मैंने बनाया है गेमिंग के लिए। तो दोस्तों मेरे कस्टमर अब्दुल्ला खान भोपाल एमपी में रहते हैं, उनके लिए पीसी का बिल्ड हमने यहाँ पे किया है। दोस्तों आज जो हमने पीसी बिल्ड किया एंट्री लेवल गेमिंग के लिए, मिड लेवल गेम के लिए एकदम शानदार रहेगा, बहुत ही बढ़िया बजट पीसी आज हम यहाँ पे बिल्ड करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि हमने कौन कौन से कंप्यूटर बिल्ड में इस्तेमाल किया, उनके टेक्निकल डिटेल्स क्या, फीचर क्या है, कॉस्ट क्या है। इसके बाद हम पीसी को असेंबल करेंगे और असेंबल करने के बाद इसके बेंचमार्क को चेक करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो कंप्यूटर बिल्ड का वो एक प्रोसेसर सीपीयू, जो सीपीयू हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है एमडी की तरफ से आने वाला R5 5600G। एमडी का राजन 5600 जी सीपीयू हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया जो कि बहुत शानदार बजट गेमिंग चैंपियनशिप यहाँ पर रहता है एमडी की तरफ से। दोस्तों यहाँ पे जो सीपीयू हमने इस्तेमाल किया इसमें एक ग्राफिक्स रहता है, ऑलरेडी वेगा ग्राफिक्स रहता है जो कि बहुत शानदार रहता है और बहुत बड़ी तरीके से आपकी गेमिंग एबिलिटी यहाँ पे करा देता है। तो आप एमडी की तरफ से कोई पीसी बिल्ड करना चाहते हैं जिसके अंदर आपको ग्राफिक्स कार्ड इस्तेमाल नहीं करना है, तो आप ये वाला सीपीयू इस्तेमाल करके एक बहुत बढ़िया पीसी यहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो सीपीयू हमने इस्तेमाल किया उसकी कोस्ट अभी 13,000 रुपये 13,000 में अभी आपको ये मिल जाता है। दोस्तों अगला जो कंप्यूटर बिल्ड का वो है एक मदरबोर्ड। तो जो मदरबोर्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है एसरॉक की तरफ से आने वाला B450M HDB जो कि एंट्री लेवल का B450 चिपसेट का मदरबोर्ड यहाँ पे रहता है। बहुत ही बढ़िया बजट मदरबोर्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है जो कि राजन 5 सीपीयू के लिए शानदार यहाँ पे रहता है और स्पेशली राजन 5 5600G के लिए एकदम बढ़िया यहाँ पे रहता है। आपका ज्यादा बजट नहीं है तो आप ये वाला बोर्ड इस्तेमाल करके एक बहुत बढ़िया बजट पीसी यहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो बोर्ड हमने इस्तेमाल किया उसकी कुछ अभी 6,000 रुपये 6,000 में अभी आपको ये मिल जाता है। दोस्तों अगला जो कंप्यूटर बिल्ड का हुआ है रैम। तो रैम जो हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की है HPG की तरफ से आने वाले D38+8 में 16GB 32 MHz की 3200 MHz की 16GB रैम हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की है। साथ ही 8+8 का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया तो बहुत बढ़िया स्पीड, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे मिलेगी। दोस्तों यहाँ पे जो हमने इस्तेमाल किया उसकी 3600 रुपये 3600 में अभी आपको ये मिल जाती है। दोस्तों अगला जो कंप्यूटर बिल्ड का हुआ है SSD। जो SSD हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की है पावर एस की तरफ से आने वाली NVMe 250GB की 250GB की SSD हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की जो कि बहुत बढ़िया यहाँ पे रहेगी। साथ ही NVMe फॉर्म में SSD का इस्तेमाल किया तो बहुत बढ़िया स्पीड और बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे मिलेगी। आप भी जब पीसी बिल्ड करते हैं तो SSD का इस्तेमाल जरूर करें, कोशिश करें कि NVMe फॉर्म में यहाँ पे होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो SSD हमने इस्तेमाल किया उसकी कुछ 1850 रुपये 1850 में अभी आपको ये मिल जाती है। दोस्तों अगला जो कंप्यूटर बिल्ड का हुआ है हार्ड डिस्क। जो हार्ड डिस्क हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की है सीगेट की तरफ से आने वाली 500GB की हार्ड डिस्क हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की जो कि इनफ रहेगी। बजट पीसी के लिए 500GB हार्ड डिस्क सफिशियंट रहती है। आपका ज्यादा बजट है तो आप 1TB की हार्ड डिस्क का इस्तेमाल भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो हार्ड डिस्क हमने इस्तेमाल किया उसकी 950 रुपये 950 में अभी आपको ये मिल जाती है। दोस्तों अगला जो कंप्यूटर बिल्ड का है पावर सप्लाई पीसी। जो पावर सप्लाई हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है फेंटेक की तरफ से आने वाला 800W का एक बजट पीसी हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया जो कि बजट पीसी के लिए एकदम बढ़िया यहाँ पे रहता है। बहुत बड़ी तरीके से सारे पार्ट के पावर को हमसे डील कर लेता है, साथ ही बहुत बड़े कम बजट में बहुत कम पैसे में आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो पीसी हमने इस्तेमाल किया उसकी उसे 1250 रुपये 1250 में अभी आपको ये मिल जाता है। दोस्तों अगला जो कंप्यूटर बिल्ड का वह है गेमिंग केस कैबिनेट। तो यहाँ पे जो केस हमने इस्तेमाल किया है लैपकेयर की तरफ से आने वाला एक बजट गेमिंग केस इस्तेमाल किया जो कि साइड से ट्रांसपेरेंट रहेगा, साइड में इसमें एक्रिलिक की प्लेट रहती है। इसमें 3 फैन रहेंगे जो कि 2 फैन आगे रहेंगे वो RGB रहेंगे, पीछे 1 फैन रहेगा जो कि RGB रहेगा। तो बहुत ही बढ़िया बजट की गेमिंग केस हमने इसमें इस्तेमाल किया जो कि इस तरह की बिल्ड के लिए बहुत बढ़िया यहाँ पे रहता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो केस हमने इस्तेमाल किया उसकी उसे 2800 रुपये 2800 में अभी आपको ये मिल जाता है। तो दोस्तों हमने देख लिया कि हमने कौन कौन से कंप्यूटर में इस्तेमाल किया, उनके टेक्निकल डिटेल्स, फीचर और कॉस्ट हमने देख ली है। तो आइए दोस्तों पीसी को असेंबल करते हुए देखते हैं कि असेंबल करने के बाद कैसा दिख रहा है। तो आइए दोस्तों
कि आपने यहाँ पे देख लिया, मेरे इस पीसी को बिल्ड कर लिया, इस पीसी को बना लिया, काफी शानदार बना। अगर लुक की बात करते तो बहुत ही बढ़िया दिखा, क्योंकि जो केस हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है एक बजट गेमिंग केस इस्तेमाल करने के बाद ही बहुत शानदार बना है, बहुत बढ़िया आरजीबी बजट केस इस्तेमाल करके बहुत बढ़िया पीसी यहाँ पे हमने बिल्ड कर लिया। वही कंप्यूटर की बात करते हैं तो सारे के सारे बहुत बढ़िया बजट कंप्यूटर इस्तेमाल करके बहुत शानदार बजट पीसी बिल्ड कर लिया, जो कि बहुत बढ़िया यहाँ पे रहेगा इस बजट के अंदर। वही परफॉर्मेंस की अगर बात करते हैं तो सेम टू सेम परफॉर्मेंस के साथ में सेम पीसी के साथ में मैंने सिनेब्लेस टेस्ट करके देखा था, जिसके अंदर 120 FPS मिलते हैं। यानी अगर आप सेम टू सेम पीसी के साथ में गेमिंग करते हैं तो आपको 120 प्लस FPS आराम से मिल जाएंगे। वही एडिटिंग के लिए बहुत बढ़िया रहेगा, एंट्री लेवल गेमिंग के लिए, मिड लेवल गेमिंग के लिए, फिर आप एंट्री लेवल एडिटिंग करते हैं, यूट्यूब की वीडियो बनाते हैं, तो बहुत ही शानदार पीसी यहाँ पे रहेगा। तो दोस्तों आपका बजट भी अगर 30,000 रुपये तो आप ये वाला पीसी बिल्ड कर सकते हैं, कुछ कंप्यूटर को आगे पीछे करके, कुछ कंप्यूटर को चेंज करके बहुत बढ़िया पीसी बिल्ड यहाँ पे कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी कोई पीसी बिल्ड करना चाहते हैं, कोई गेमिंग पीसी, कोई वीडियो एडिटिंग पीसी, या किसी भी तरह का आपको कंप्यूटर परचेस करना चाहते हैं, या फिर अगर आप ये वाला पीसी परचेस करना चाहते हैं तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर हमारे स्टोर पर विजिट कर सकते हैं जो कि लोकेटेड लाल घाटी उसके भोपाल पर। और अगर आप भोपाल में रहते हैं, भोपाल से बाहर रहते हैं, तो हमसे कॉन्टैक्ट करके किसी भी तरह के पीसी का ऑर्डर हमें दे सकते हैं, जो हम आपके घर पर पहुँचा देंगे 3 दिनों के भीतर। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं पीसी बिल्ड के बारे में, कंप्यूटर के बारे में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।